मैं अभी बलिया प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत में हूँ और इस पंचायत के बारे में एक जानकारी आपको दे दूं कि इस पंचायत में लगभग 6,500 वोटर बताए जा रहे हैं, 14 वार्ड की संख्या है और कुल प्रत्याशियों की संख्या जो है वो 9 है। अभी हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं, महिला उम्मीदवार हैं, गुंजन कुमारी नाम है, ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, संभ्रांत हैं। आइए जानते हैं इनके विचार कि इलेक्शन लड़ने के लिए इनकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं बीटी न्यूज़ में और आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप महिला हैं, चुनाव लड़ रही हैं, घर घर घूम रही होंगी, लोगों के दुख तकलीफ को भी करीब से देख रही होंगी, मन में क्या चलता है फिर? मन में चल रहा है कि मैं आगे निकल रही हूँ तो अपने घर समाज परिवार पंचायत को आगे बढ़ाएंगे और महिला को हमेशा शिक्षित हैं तो हम सबको शिक्षा देंगे तभी तो आगे बढ़ेगा हमारा समाज, हमारी महिला सब आगे बढ़ेगी, तो इसी के लिए मैं आगे निकली हूँ। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के विकास से परिवार का विकास हो? जी जी जी। और परिवार के विकास से समाज का? समाज का विकास हो। जी जी, यही मेरा मतलब है, ये मकसद। जी जी। चलिए, चुनाव लड़ रही है, चुनौती कैसा मिल रहा है? चुनौती बहुत अच्छा मिल रहा है जी जी, सब लोग साथ दे रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं जी, मुझ पर आप पर भरोसा है कि आप निकल जाइए, क्योंकि आपको हम पहली बार देख के हम समझ गए कि हमारे ये पंचायत में, हमारे गांव समाज में आप विकास कीजिएगा। और लोग ऐसा बता जी ऐसा बता रहे हैं, सभी आदमी बहुत अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और नहीं समझ में आता है, पंचायत चुनाव में बहुत जगह देखा जा रहा है कि वोटरों को लुभाने के अनेकानेक प्रयास किए जा रहे हैं, आपकी तरफ से कौन सा प्रयास किया जा रहा है? जी, हमारे तरफ से ये हमको देख के, उम्मीदवार को ही देख के सब लोग बहुत खुश हैं और कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे एक नज़र देख लेते हैं, मुझे आप पर भरोसा है और इसी के लिए हम लोग आपको एकदम जिताएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, बस अपनी हाजिरी बना रहे जी, हैं। जी जी जी, सब लोग हमको देख के ही कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, इसी के लिए आप आगे आए, तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि आप हमारे पंचायत को, गाँव को, समाज को आगे बढ़ाइएगा। जो लोग बहुत बड़े बड़े भोजन का आयोजन करते हैं, पैसे का बंदोबस्त करते हैं, शराब वगैरह का भी वितरण कर रहे हैं, लोगों को आनंदित करके वोट लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज दे सकते जी? ये तो गलत है ना, ये तो समाज में ऐसे बढ़ावा दीजिएगा तो कभी शराब बंद होगा, इसके लिए ये सब कुछ नहीं, सिर्फ आप हम अपना विकास दिखाइए जनता को, एक बार मौका जनता आपको देंगे, आप विकास दिखाइए, जनता को भरोसा होगा, तो ये शराब और खाना ये सब कुछ नहीं है हमारे लिए, तो कुछ नहीं है। आपके पंचायत में भी ऐसा हो रहा है? नहीं, हमारे पंचायत में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं? जी नहीं, ऐसा नहीं। चलिए, आपका पंचायत बहुत अच्छा है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। आमतौर पर देखा जाता था कि पहले लोग मुखिया जी को चुनते थे, सरपंच साहब को चुनते थे, इस बार जिम्मेदारी देने लगे हैं। जी जी, जिम्मेदारी देने लगे तो देख के ही ना कि हाँ भाई ये उम्मीदवार अच्छे हैं तो इनको जिताना है। नहीं, जिम्मेदारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब तक वो मुखिया जी को चुनते रहे, जी जी, सरपंच जी को चुनते रहे, जी, तब तक हाथ जोड़ करके नीचे में बैठना पड़ता था। जी, लेकिन इस बार जिम्मेदारी दे रहे हैं तो कान पकड़ के काम भी तो लेंगे। हाँ, काम तो लेंगे ही ना, सही बात है, काम तो हम तो हर आदमी को अपने परिवार में व्यस्तता है। जी जी, लेकिन इतना बड़ा समाज को चलाने के लिए एक प्रतिनिधि की तो आवश्यकता होती है। हाँ हाँ, सही बात है, ये तो सही बात है, तो उसके लिए तो हम आगे निकल ही रहे ना। समाज में योजनाओं के विकास से सामाजिक विकास संभव है या भाईचारा भी होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। पहले कौन? पहले भाईचारा चाहिए। पहले भाईचारा। जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे भाईचारा को बरकरार रखने के लिए? बरकरार रखने के लिए सब एकजुट रहिए, जो अच्छे नेता है उसके लिए आप लोग आगे निकलिए, उनको जिताइए और उनका विकास देखिए आप पंचायत में, गांव में क्या विकास हो रहा है। इसीलिए पिछला जो 5 साल बीता है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, लेकिन पिछले बीते हुए 5 साल के कामों को आप किस रूप में देख रहे हैं? जी, इसमें हम कुछ नहीं, वो हमारे जनता बताएंगे कि काम क्या हुआ, हम तो जो देखे तो हम ना आगे निकले, हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा तभी तो हम आगे, मगर हाँ जनता से आप पूछ लीजिए जनता क्या कह रहे हैं, ये तो जनता ही बताएंगे कि 5 साल में क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ, हमको तो लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा कुछ कोई मतलब नहीं हुआ विकास, तभी तो हम आगे निकले।
विकास लोगों के चौखट नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सभी आदमी हम जाते हैं घर घर तो सभी लोग बोलते हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ है, इसी के लिए इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि अपना मुखिया होना चाहिए और पूरा पंचायत का आप विकास कीजिएगा। आप अपने पंचायत, हर पंचायत की अलग अलग समस्याएं होती है, अलग अलग राजनीतिक बनावट होता है, पॉलिटिकल उसका एरिया अलग हो जाता है, भौगोलिक एरिया भी बदल जाता है। आपके यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है? हमारे यहाँ पहले शिक्षा चाहिए, सभी बच्चे स्कूल जाएं और रोड जो पक्की होनी चाहिए, गली कुची जितना देख रहे हैं वो सब चाहिए और बच्चे लोग स्वस्थ होने चाहिए जितने भी बच्चे हो। स्वास्थ्य उपकेंद्र है आपके पंचायत में? जी होगा। है, है नहीं? जी जी है, है, है। अच्छा, उसमें डॉक्टर लोग आते हैं? हाँ आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं। आप अपनी जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी जनता को कहेंगे कि आप लोग सब हम पर भरोसा कीजिए और हम अपना विकास आप सबको दिखाएंगे, अपना 5 साल में आप लोग खुद देखिएगा और जनता हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जनता तो आपके साथ रहेंगे और आप कहाँ जाइए? हम भी यही रहेंगे, जनता के साथ, जनता के बीच रहेंगी। ये गुंजन कुमारी है और इन्होंने कहा कि मैं, हमारी जनता है और हम जनता के हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये इतना ऐसी बात है, समाज के आप संस्कृति की बात कर लीजिए वो भी अगर इसमें आप मिलाने की कोशिश कीजिएगा तो बड़े आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हम आपके हैं और आप हमारे हैं, इससे प्रिय बात कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमेशा शिक्षित वर्ग को अगर हम चुन करके लाते हैं तो समाज में एक बेहतर अवसर भी पैदा होंगे और समाज के लोग एकजुट होकर के चलने का काम भी करेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।